नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, GST सीरीज की इस वीडियो में हम अलग अलग तरीके की GST रिटर्न के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हर एक GST रजिस्टर्ड पर्सन को जरूर पता होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं, अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल करते हैं और आप बुक्स कैटेगरी में डील नहीं करते हैं, तब तो आपके पास GST रजिस्ट्रेशन जरूर होगा और आपको मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर GST रिटर्न भी फाइल करनी होती होगी। वो माइट भी हो सकता है कि आप खुद करते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि GST की जो रिटर्न होती हैं, GSTR 1, GSTR 2A या फिर 2B, GSTR 3B होती क्या है। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों को ही इसके बारे में पता होता है और ज्यादातर ऑनलाइन सेलर्स को इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता है। तो बस आपको ये वीडियो अब एंड तक देखना है और आपके सारे ही कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं GST रिटर्न को लेकर, जो कि आपको मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी होती हैं। तो बिना देरी करे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं GSTR 1 के बारे में। तो देखिए, GSTR 1 में आपको सेल्स की और सेल्स रिटर्न की डिटेल GST पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो जून मंथ में जो भी आपने सेल किए हैं और जो भी आपको रिटर्न आए हैं, उनकी डिटेल आपको जुलाई मंथ में GST पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो देखिए, जैसा कि इधर लिख रहा है, GSTR 1 में सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डिटेल्स आपको डालनी होती है और इसको आप मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने ना क्राइटेरिया बना रखा है, अगर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल टर्नओवर 5 crore से ज्यादा है, तब तो आपको मंथली ही फाइल करनी पड़ेगी GSTR 1, और अगर आपका एनुअल टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अप टू 5 crore है, यानी कि 5 crore से कम है, तब आपके ऊपर है कि आप मंथली फाइल करना चाहते हैं तो मंथली भी कर सकते हैं, वरना क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन भी गवर्नमेंट आपको देती है। तो मैंने आपको बता दिया जो क्राइटेरिया है वो 5 crore का है, 5 crore से कम में आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप मंथली फाइल करें या फिर क्वार्टरली, और 5 crore से ज्यादा एनुअल टर्नओवर रहा है तब तो आपको फिर मंथली ही फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए, मंथली की जो डेट है वो ड्यू डेट है 11 तारीख, कहने का मतलब जून मंथ में जो भी आपने सेल की है उसकी GSTR 1 फाइलिंग की लास्ट डेट 11 जुलाई रहेगी, यानी कि जिस भी मंथ की हम बात करते हैं, नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख उसकी ड्यू डेट बन जाती है GSTR 1 के केस में, अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो। और अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो 13th तारीख आ जाती है ड्यू डेट, मतलब जैसे अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट क्वार्टर है 2022-2023 का, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर का जो GSTR 1 फाइल होगी उसकी लास्ट डेट होगी 13th of July, उसकी लास्ट डेट होगी 13th of July। तो 13 तारीख लास्ट डेट होती है GSTR 1 फाइलिंग की, अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इधर एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको पता है आप B2C सेल भी करते हो, B2B सेल भी करते हो। देखिए, मीशो पे तो आप नॉर्मली B2C सेल ही करते हो, फ्लिपकार्ट पे भी नॉर्मली B2C सेल ही करते हो, अमेजोन पे आप B2C भी करते हो, B2B भी करते हो, और अगर आप कहीं ऑफलाइन भी सेल करते हो तब भी आप, हो सकता है, B2B सेल करते हो। तो जब आप GSTR 1 फाइल करते हो तो आपको ध्यान रखना है जो B2B सेल है उसकी आपको सभी डिटेल डालनी पड़ती है, यानी कि कस्टमर का GSTIN नंबर, उसका क्या टैक्सेबल वैल्यू रही है, क्या GST उस पे लगा है, तो आपको हर एक इनवॉइस की डिटेल GSTR 1 फाइल करते वक्त डालनी होती है। और अगर B2C सेल आपकी हुई है तो आपको स्टेट वाइज और रेट वाइज सभी डिटेल डालनी पड़ती है GST पोर्टल पे। तो GSTR 1 फाइलिंग आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा इसकी ड्यू डेट, और आपको यह समझ में आ गया होगा कि GSTR 1 में हम क्या डिटेल प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पर। अब बात करते हैं GSTR 2A या फिर 2B के बारे में। तो देखिए, GSTR 2A या 2B, जैसा कि इधर लिख रहा है परचेज डिटेल, आपको इसमें परचेज डिटेल दिख जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, और ए ने बी को माल बेचा, तो ए ने अगर बी को माल बेचा तो ए के लिए वो सेल हो गई और बी के लिए वो परचेज हो गई, ठीक है। अब ए ने अगर बी को माल बेचा है जून मंथ में, तो ऑब्वियसली ए उसे अपनी GSTR 1 फाइल करते वक्त उस सेल को शो करेगा GST पोर्टल पर, ठीक है। तो वो GST पोर्टल पर सभी डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि उसने बी पार्टी को कितने रुपए का माल बेचा, उस पर क्या GST एप्लीकेबल थी, A to Z चीज वो GST पोर्टल पर अपलोड कर देगा, और ये चीज वो 11 तारीख तक कर देगा क्योंकि 11 तारीख ड्यू डेट होती है। अब बी पार्टी उस पर्टिकुलर डिटेल को GSTR 2A और 2B के थ्रू
चेक कर सकती है कि ए पार्टी ने जो मुझे माल बेचा है वो उसने जीएसटी पोर्टल पर चढ़ाया है या फिर नहीं चढ़ाया उस पर्टिकुलर इनवॉइस को। तो जीएसटीआर 2A और 2B में परचेज डिटेल दिखती है सेलर को, जो भी उसने माल खरीदा है और जिस भी सप्लायर से उसने माल खरीदा है, जिस भी टैक्सेबल वैल्यू पे खरीदा है और जो भी जीएसटी उस पर लगी हुई है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखिए 2A और 2B में क्या फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूं। 2A डायनामिक है और 2B स्टैटिक है। इसका मतलब क्या है आप ये समझ लीजिए। देखिए पहले ना सिर्फ 2A हुआ करता था, अभी कुछ टाइम से 2B का भी कंसेप्ट आ गया है। ये है क्या चीज, 2A डायनामिक है ये मैंने आपको बता दिया, 2B स्टैटिक है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि A पार्टी ने B पार्टी को माल बेचा, ठीक है। तो A पार्टी ने अगर जून में माल बेचा तो 11 तारीख तक उसे GSTR1 अपनी फाइल करनी होगी और उसमें ये डिटेल शो करनी होगी कि उसने B पार्टी को माल बेचा है। तो अगर वो 10 तारीख को अपनी GSTR1 फाइल कर देता है, ठीक है, तो हमारी जो GSTR2B होती है जो कि स्टैटिक होती है, वो वंस इन अ मंथ जनरेट होती है और वो जनरेट होती है 14 तारीख को। इधर जैसे मैंने लिखा है 2B गेट्स जनरेटेड ऑन 14th, तो जो GSTR2B है वो 14 तारीख को जनरेट होती है। तो अगर A ने B को माल बेचा और A ने GSTR1 फाइल करते वक्त जो कि उसने 10 तारीख को की है सारी डिटेल GST पोर्टल पे डाल दी, तो जो B पार्टी है उसे GSTR2B के थ्रू देख सकती है। और कब देख सकती है, 14 तारीख के बाद, जब GSTR2B जनरेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब 11 तारीख तक A पर समय है कि वो GSTR1 फाइल कर सकता है। एक बार GSTR1 फाइल हो गई तो 14 तारीख को या फिर उसके बाद कभी भी उस पर्टिकुलर मंथ में B पार्टी देख सकती है कि A ने वो बिल चढ़ाया है या फिर नहीं चढ़ाया GST पोर्टल पर, ठीक है। अब मानकर चलिए A से थोड़ी भूल चूक हो गई और A GSTR1 टाइमली फाइल नहीं कर पाया और A ने GSTR1 फाइल की 15 तारीख को, ठीक है। अब A ने 15 तारीख को GSTR1 फाइल की, तो जब GSTR2B बी पार्टी की जनरेट होगी तो उसे वो इनवॉइस नहीं दिखेगा क्योंकि A ने फाइलिंग ही नहीं की है 11 तारीख तक। तो 15 तारीख के बाद भी जब A ने GSTR1 फाइल कर दी है उसके बाद भी अगर बी पार्टी GSTR2B को जनरेट करती है तो तब भी उसे उस पर्टिकुलर इनवॉइस की डिटेल GSTR2B में नहीं दिखेगी। इसका रीजन ये है कि GSTR2B स्टैटिक है और एक ही बार जनरेट होती है मंथ में। एक बार वो 14 तारीख को जनरेट हो गई और 14 तारीख तक जनरेट हुई तो जो 11 तारीख तक जिन लोगों ने भी GSTR1 फाइल की थी सिर्फ उसी का डेटा पॉपअप उसमें होगा। लेकिन वहीं GSTR2A डायनामिक है, कभी भी A पार्टी अपनी GSTR1 फाइल कर दे, B पार्टी अपनी GSTR2A में उसे चेक कर सकता है और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी क्योंकि वो डायनामिक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि GSTR2A 2B दोनों में ही परचेज डिटेल दिखती है लेकिन GSTR2B स्टैटिक है और जनरेट हो जाती है 14 तारीख को, उसके बाद वो चेंज नहीं होती है और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट 14 तारीख को जनरेट होगी। अब GSTR2A डायनामिक है, अगर सामने वाला सप्लायर GST रिटर्न फाइल करने में देरी भी करता है तो भी GSTR2A में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है क्योंकि ये डायनामिक है और जैसे ही सामने वाला अपनी डिटेल डालेगा सेल्स की आपके GSTR2A में वो पॉपअप हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। GSTR2A और 2B सिर्फ व्यू ओनली के लिए होती है, बस आपको देखनी होती है, आपको GSTR2A और 2B को फाइल नहीं करना होता है। ये सिर्फ एक सेलर के लिए इसलिए बनी है कि वो अपनी जो भी उसने परचेज की है उसकी डिटेल्स देख सके क्योंकि इसी के बेसिस पर वो आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है इसे भी मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू जब समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम GSTR 3B के बारे में जान लेते हैं। GSTR 3B का मतलब समरी ऑफ सेल्स एंड परचेज। तो देखिए मैंने आपको बताया GSTR 1 में सेल की डिटेल आ गई, GSTR 2A और 2B में परचेज की डिटेल आ गई। GSTR 3B में जो भी सेल हुई है, जो भी परचेज हुई है उसकी समरी आती है और GSTR 3B में ही हम सेलर्स की जेब से पैसा जाता है, यानी कि इसमें आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना होता है। मतलब सेल पे जो जीएसटी लगा और परचेज पे जो जीएसटी लगा वो आपको देखना है और अगर सेल का जीएसटी परचेज की जीएसटी से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना है और अगर सेल की जीएसटी परचेज की जीएसटी से कम है तो आपका जीएसटी बैलेंस बचा रहेगा जिसे कि आप नेक्स्ट मंथ की सेल की जीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इधर GSTR 3B भी मंथली और क्वार्टरली फाइल की जा सकती है। अगर मंथली फाइल होती है तो ड्यू डेट 20 है और अगर क्वार्टरली फाइल होती है तो ड्यू डेट 22 और 24 है और ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट पे, मतलब कुछ स्टेट में 22 है और कुछ स्टेट में 24 है। लेकिन अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो तब ये डेट सबके लिए कॉमन है 20, यानी कि 20 तारीख तक आपको GSTR 3B की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जैसे अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो जून मंथ की GSTR 3B फाइलिंग की लास्ट डेट 20th जुलाई है और अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग कर रहे हो तो फिर आपके स्टेट में 22 भी हो सकती है या फिर 24 भी हो सकती है। इसे आप GST पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो
अब मुझे लगता है कि आपको GSTR 1, GSTR 2A और 2B और GSTR 3B के बारे में ओवरऑल समझ में आ गया होगा। इधर GSTR 1 में सेल, GSTR 2A और 2B में परचेज और GSTR 3B में समरी आपको देनी पड़ती है। अब देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जिसके बाद आपके GSTR 1, GSTR 2A और 2B और GSTR 3B के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूं कि जून मंथ में ए ने बी को माल बेचा, उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 1 लाख रुपीज और उस पर 18% जीएसटी लग रहा था। तो सीजीएसटी हो गया मेरा 9,000 रुपीज और एसजीएसटी भी हो गया मेरा 9,000 रुपीज, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं यानी कि एक ही स्टेट में सेल करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, क्योंकि 18% टोटल जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी लग गया, 9% एसजीएसटी लग गया, तो सीजीएसटी भी 9,000 हो गया, एसजीएसटी भी 9,000 हो गया। बी ने सी को वही माल बेचा 1,20,000 में, तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 1,20,000 और उस पर भी 18% जीएसटी लग गई, तो सीजीएसटी मेरी हो गई 9% के हिसाब से 10,800 और एसजीएसटी भी मेरी हो गई 9% के हिसाब से 10,800। तो ये ट्रांजेक्शन हमारे जून मंथ में हुआ, मतलब बी ने ए से माल खरीदा जून मंथ में और बी ने सी को माल बेचा जून मंथ में, वो मैंने आपको बता दिया कितने में खरीदा, कितने में बेचा और क्या क्या जीएसटी उस पर लग रही थी। अब क्या होगा, देखिए अब मैं बी के रिस्पेक्ट से आपको सारा कुछ बताऊंगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बी को अपनी 11 तारीख तक GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी होगी, ठीक है। तो GSTR 1 में वो क्या करेगा, सारी अपनी सेल की डिटेल दिखाएगा, सारी अपनी सेल की डिटेल जो है जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेगा। तो बी ने जो सेल की है वो ये सेल की है, 1,20,000 रुपए की सेल की है, तो बी क्या करेगा, इसी डिटेल को GSTR 1 पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिसमें वो गवर्नमेंट को बताएगा कि 1,20,000 रुपए का माल बेचा, उस पे सीजीएसटी इतनी लगी, एसजीएसटी इतनी लगी। अब देखिए मैंने आपको बताया 11 तारीख तक उसने रिटर्न फाइल कर दी अपनी GSTR 1, जिसमें गवर्नमेंट को ये डिटेल बता दी। अब 14 तारीख को उसकी GSTR 2 भी जनरेट हो जाएगी, 14 तारीख को उसकी GSTR 2 भी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि उसने माल खरीदा था ए पार्टी से और मैं मान लेता हूं कि ए ने अपनी टाइमली GSTR 1 फाइल कर दी है। तो जब GSTR 2 भी बी पार्टी के लिए जनरेट होगी तो उसे ये डिटेल दिख जाएंगी, GSTR 2A और 2B में उसे ये डिटेल दिख जाएंगी, टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 रुपए, सीजीएसटी 9,000, एसजीएसटी 9,000। क्यों दिख जाएंगी, क्योंकि उसने जून मंथ में ये मटेरियल ए पार्टी से परचेज किया था, तो ए पार्टी ने जब अपनी सेल दिखाई GSTR 1 में तो वो बी पार्टी के GSTR 2B में आ गई और इसलिए वो इन डिटेल को GSTR 2A और 2B में देख पा रहा है। तो आपको समझ में आया, GSTR 1 में उसने ये डिटेल भेज दी गवर्नमेंट को, GSTR 2A और 2B में उसने ये डिटेल देख ली जब GSTR 2B जनरेट हुई, ठीक है। अब बात करते हैं GSTR 3B की। तो GSTR 3B में मैंने आपको बताया था समरी होती है सेल्स की और परचेज की और उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है टैक्स का। तो GSTR 3B में आप देख सकते हैं CGST में हमारा जो आउटपुट टैक्स है वो 10,800 है, क्योंकि मैंने जो सेल की है वो 10,800 रुपए की है और मेरा जो इनपुट टैक्स है वो 9,000 रुपए है, क्योंकि मैंने जो परचेज किया था उसमें मैंने सामने वाले सप्लायर को 9,000 रुपए SCGST पे किए हैं। तो 10,800 माइनस 9,000 इज इक्वल टू आगे 1,800 रुपीज CGST जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। सिमिलरली अगर मैं SGST की बात करूं तो इसमें भी 10,800 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,800 जो कि मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। तो टोटल टैक्स जो बी पार्टी को GSTR 3B में पे करना होगा वो करना होगा 1800 प्लस 1800 इज इक्वल टू 3600 और यही पेमेंट ऑफ टैक्स उसे करना है जब वो GSTR 3B फाइल कर रहा है। तो जब वो 3600 रुपीस का पेमेंट कर देगा उसी के बाद GSTR 3B जो रिटर्न है वो फाइल हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और इस तरीके से आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि बी पार्टी के लिए, मैं मान लेता हूं आप हैं बी पार्टी, तो आपके लिए GSTR 1 ये थी, आपके लिए GSTR 2A और 2B ये थी और आपके लिए GSTR 3B ये थी। अब ITC इसमें क्या है, तो ये 9,000 और 9,000 18,000 रुपए का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, मतलब आपको पता ही आउटपुट टैक्स है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन आप ऑलरेडी कुछ इनपुट टैक्स पे कर चुके हो अपने सप्लायर को, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्मेट में आपको मिल जाता है और इसलिए इधर वो डिडक्शन हो गया है, 10,800 में से 9,000 फिर 1,800 रुपए बन रहा है और 10,800 में से 9,000, मतलब जो आप परचेज करते हो, मतलब जो भी चीज आप खरीदते हो
और उस खरीदी पर जो भी टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्मेट में आप जीएसटी पोर्टल से क्लेम कर सकते हो और उतना टैक्स आपके आउटपुट टैक्स से डिडक्ट हो जाता है और जो रिमेनिंग टैक्स है वो आपको फिर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो आई थिंक अब आपको आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में भी समझ में आ गया होगा और यही पूरा फंडा होता है जीएसटीआर 1 का, जीएसटीआर 2A और 2B का, जीएसटीआर 3B का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसके अलावा दो चीज और होती है, एक होता है आईएफएफ, एक होता है PMT 06। तो अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो उस केस में जैसे अगर अप्रैल मई जून की जो जीएसटीआर 1 फाइलिंग की लास्ट डेट है वो 13 जुलाई है जिसमें आप अप्रैल मई जून की सेल डिटेल आप अपलोड करोगे जीएसटी पोर्टल पर, लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आप चाहो तो अप्रैल मंथ की सेल डिटेल आप मे मंथ में आईएफएफ के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो, ऐसे ही मे मंथ की सेल डिटेल आप जून मंथ में आईएफएफ के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो। सिमिलरली जीएसटीआर 3B जैसे अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो अप्रैल मंथ का जो टैक्स बन रहा है आप मे मंथ में उसका जो पेमेंट है पीएमटी 06 फॉर्म के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको आईएफएफ और पीएमटी 06 के बारे में जानना है तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मुझे जो आपको समझाना था वो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A और 2B और इनपुट टैक्स क्रेडिट ये सब समझाना था। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा और भले ही आप खुद से रिटर्न फाइल नहीं करते हो फिर भी आपको एटलीस्ट इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इन चीजों से रिलेटेड तो मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।